लाल मुर्गा का हम लोग बलि चढ़ाते हैं और चावल को हम लोग प्रकृति को अर्पित करते हैं, और इसी के साथ ही ये हम लोग का सोहराय का ये शुरुआत होता है। इसके बाद दूसरा दिन जो होता है वो दका का होता है। दका मतलब खान पान। उस दिन हम लोग विशेष रूप से चावल बनाते हैं और ये मीट का हम लोग भोजन करते हैं। तीसरा दिन जो होता है वो खुंटव का होता है। हमारे प्रकृति में उपजाव को लेकर के जो भी हम लोग उपजाते हैं उसमें पशुओं का जैसे गाय हुआ, बैल हुआ, इनका बड़ा ही योगदान होता है, और उसमें उनको जो हम लोग विशेष रूप से हम लोग पूजते हैं, गाय और बैल के सींग में हम लोग तेल लगाते हैं और उनका जो हल है उसमें भी हम लोग तेल लगाकर उनको सम्मान देते हैं और उनका हम लोग पूजा करते हैं। ये तीसरा दिन होता है खुंटव के दिन। और चौथा दिन जो होता है वो जाली का होता है। जाली होता है जो भी इस समय सब्जी हुआ या जो भी हम लोग उपजाते हैं, एक दूसरे के घर जाकर के जो भी भेदभाव या आपसी मतभेद जो होता है उस दिन हम लोग मित्रता के रूप में उसको समाप्त करते हैं, एक दूसरे के घर जाकर के, कि जो भी एक साल के अंदर किसी के साथ अगर कोई दुश्मनी हो तो जाली के दिन जो है हम लोग उसको समाप्त करते हैं, प्रेम भाव से एक दूसरे के घर जाकर के भोजन करते हैं और ये मतभेद को हम लोग समाप्त कर, ये जाली के दिन होता है। ये पांचवा दिन जो होता है ये हाकू काटकोम का दिन होता है। हाकू काटकोम हम लोग विशेष रूप से मछली का भोजन करते हैं, वो शिकार के रूप में हम लोग करते हैं, जाते हैं तालाब, नदी या गंगा जी में जाकर हम लोग मछली का ये शिकार करते हैं और उसका भोजन हम लोग करते हैं। और छठा दिन जो होता है ये संक्रांत का दिन होता है। इसके पीछे एक कहानी है। संक्रांत का जो दिन होता है एक राजा और रानी का कहानी है। राजा जो है जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं और शिकार के दौरान जो है वो एक रानी थी जंगल में, वो बोलती है कि आप सब जंगल का शिकार कर लीजिए लेकिन इस जंगल का, एक विशेष जंगल था, उस जंगल का आप शिकार नहीं कर सकते हैं। और राजा जो है हर जंगल में घूम लेते हैं और उनको कहीं कोई शिकार नहीं मिलता है। कहीं कोई शिकार नहीं मिलने के बाद रानी जो मना की थी वो उसी जंगल में चल जाते हैं, और जैसे ही उस जंगल में घुसते हैं जाने के बाद जो है वहाँ पर एक सांप निकल जाता है जो करिंग नंगिंग डिंग हम लोग बोलते हैं, और जैसे वो सांप सामने खड़ा हो जाता है अपना फन फैलाने के साथ में, राजा जो है अपना तीर से उस सांप को मार देते हैं। मारने के बाद रानी, जब राजा जब उस जंगल से वापस निकलते हैं, रानी उससे मुलाकात करती है और बोलती है कि आपने मेरा पति को क्यों मार दिया, क्योंकि राजा को नहीं पता था कि वही सांप ही उस रानी की पति है। मारने के बाद राजा की जो सिपाही थे उसके कई टुकड़े कर देते हैं। अब कई टुकड़े कर देने के बाद वो उसे उसका जो हड्डी है वो हड्डी को ला करके अपना आंगन में वो रोप देते हैं और उससे जो है भिन्न भिन्न कलर के फूल जो है वो अंकुर होके फूल बन जाते हैं। तब रानी जो है राजा को पूछती है कि आपने मेरा पति को क्यों मारा। राजा के पास कोई जवाब नहीं होता है तो रानी बोलती है कि मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो मैं आपकी जान को बख्श दूंगी। और रानी जब पहेली पूछती है तो राजा के पास कोई जवाब नहीं होता है। राजा को कुछ दिन का समय दिया जाता है, वो सिर्फ एक ही दिन का समय होता है। समय देने के बाद जो है राजा अपना जो बहन है बहन को बुला लेती है कि मरने के पहले आओ तुम लोग हमसे मिल लो, क्योंकि मेरा जो जान है वो रानी लेने वाली है। इसके बाद उसकी बहन जो है अपना बेटा बेटी को लेकर के अपने भाई राजा के पास वो लोग चल देती है, और जैसे ही उस समय तो गाड़ी घोड़ा का कोई साधन नहीं था, वैसे जैसे ही वो लोग चल देते हैं आते आते अंधकार हो जाता है और एक पेड़ के नीचे वो लोग रुक जाते हैं, और उस पेड़ के ऊपर में एक गीत का घोंसला होता है जिसमें गीत के छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
जब रात हो जाती है तो गीत के छोटे छोटे बच्चे जो है वो रोने लगते हैं। तो गीत की जो माँ है वो बोलती है कि तुम लोग रो मत, कल जो है भरपेट भोजन मिलने वाला है। और ये सब बात जो है वो राजा की बहन वो सुन लेती है। तो राजा की गीत की जो बच्चे हैं वो पूछती हैं कि कहाँ भोजन मिलने वाला है। तो गीत की जो माँ है वो बोलती है कि कल जो है राजा को मारने वाला है और उसका जो भोजन है हम लोग को भरपेट मिलेगा। तो गीत की जो बच्ची है वो पूछती है कि आखिर राजा को क्यों मारने वाला है। तो गीत की जो माँ है वो बोलती है कि रानी जो है वो करी नहीं साफ, वो एक सवाल राजा से पूछी है जो कि राजा जवाब नहीं दे पाए हैं। तो राजा जो है, गीत की जो माँ है वो गीत की जो बच्ची है वो अपनी माँ से पूछती है, माँ आप बताइए कि उस पहेली का जवाब क्या है। उस पहेली का जवाब जो है ये है, सिहै बिरदन हिरदन या छोहे, ये पहेली है। उसका जवाब है सिहै बिरदन हिरदन या छोहे। और ये जो है राजा की जो बहन है वो सुन लेती है और इसके बाद रातों रात वहाँ से निकल लेती है अपने बच्चे के साथ में, अपने भाई का जान बचाने के लिए। और जैसे ही जाती है अपने भाई को, राजा को बता देती है कि आपसे जो पूछा गया सवाल पहेली है उसका जवाब ये है। और जैसे ही जवाब राजा को मिल जाता है और राजा जो है वो जवाब दे देते हैं। और जब जवाब दे देते हैं तो इसके बाद जो है गांव के जो आदमी थे वो करीनगी जो सांप है उसको वो लोग तीर से मार देते हैं, और मारने के बाद उसके कई टुकड़े कर देते हैं। और कई टुकड़े कर देने के बाद हमारे आदिवासी समाज में जैसे गुडित, जोगमझी, परानिक, ये जितने भी पांच पुरोहित जो होते हैं वो तीनों को जो है बांट दिया जाता है और वो अपने अपने घर लेके जाते हैं। और इसी के साथ ही ये जो है कहानी भी समाप्त होता है और हम लोग का सोहराय का भी समाप्ति होता है।